नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ट्रंप के बयान अद्भुत हैं। अपनी भारत यात्रा से पहले ट्रंप ने इस दौरे को चर्चा में लाने के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं उससे भारत में तो उनका क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बढ़िया से फाड़ रखी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत में उनका स्वागत 1 करोड़ लोग करेंगे, तो पाकिस्तान के गले में बजा घंटा टन 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 बजने लगा। पिछवाड़े पर लटक रहा भीख का कटोरा भी उल्टे फेरे लगाता दिखाई दिया, क्योंकि ट्रंप द्वारा भारत दौरे के उत्साह में दिए जा रहे बयान पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। पर लगता यूं है कि ट्रंप द्वारा जलती रोड से इमरान सरकार की तशरीफ से की जा रही है, वह भी बिना कोई मरहम लिए हुए। अमरीकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत पसंद है, वह दुनिया के महान नेताओं में से एक है, उनसे ट्रेड डील को लेकर बात की जाएगी। वह जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम जाएंगे तो 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ का जनसमूह उनका स्वागत करेगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि रोड शो में 70 लाख लोग मौजूद रहेंगे, जबकि अहमदाबाद की कुल आबादी ही 70 से 80 लाख है। इसका मतलब यह है कि 24 फरवरी के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम से पहले ही पाकिस्तानी मदरसों के बस्ते उठ गए हैं। पाकिस्तान को इस बात की फिक्र ज्यादा है कि मोदी भारत आने वाले विश्व नेताओं को प्रभावित करने के हर तरीके इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी इसी कूटनीति के अंदाज से 2015 में बराक ओबामा को भारत का प्रशंसक बना लिया था। ट्रंप का अब तक का कार्यकाल भी मोदी गुणगान और भारत के साथ मजबूत संबंधों पर ही केंद्रित रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा जहां भारत के लिए खास है, वहीं पाकिस्तान में घबराहट और दुनिया में अलग थलग पड़ने का भय व्याप्त है। पिछले महीने ही दावोस में ट्रंप और इमरान की मुलाकात हुई थी। इमरान ने उनसे एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकालने में समर्थन मांगा था, परंतु अमरीका ने एफएटीएफ में उसका कोई बचाव नहीं किया, उल्टे भारत के साथ एक रक्षा डील करके पाकिस्तान के पिछवाड़े की पिटाई की एक रस्म अदायगी और कर दी। यानी भारत को पाकिस्तान को ठोकने के लिए 2 अरब के हथियार और दे दिए। ऐसे में अगर अब पाकिस्तान में घंटे बज रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दरअसल एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी के पिछलग्गू बन गए हैं, जो पाकिस्तान की खुजली का बड़ा कारण है। अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी की लोकप्रियता भुनाकर भारत मूल के उन 40 लाख मतदाताओं को अपनी तरफ करना चाहते हैं, जिनके वोट इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ट्रंप का अनुमान भी यही है कि उनकी भारत यात्रा प्रवासी वोटों को प्रभावित कर सकती है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शंका इसको लेकर बढ़ गई है कि वह भारत को रिझाने के लिए कश्मीर मुद्दे को छेड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यानी धारा 370 पर मोदी को समर्थन के साथ वह पीओके को लेकर चीन और पाकिस्तान पर कोई प्रत्यक्ष वार कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इस दौरे का वाइल्ड कार्ड जरूर होगा, जो यकीनन पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ा सकता है। यानी ट्रंप को आज अपनी लोकप्रियता के ग्राफ को, जो कि 50 पर खिसक आया है, भारत की मदद से ऊपर पहुंचाना है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात के ढोल जरूर पीटे थे कि ट्रंप पहले पाकिस्तान आएंगे फिर भारत जाएंगे, मगर उनके इस कार्यकाल में पाकिस्तान का कोई दौरा शायद ही हो पाएगा। सवाल तो यह भी उठाए गए जब उसके खास दोस्त चीनी राष्ट्रपति ही पाकिस्तान आने की बजाय भारत जाते हैं, फिर अमरीकी राष्ट्रपति के पाकिस्तान आने की कोई खास वजह भी नहीं है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी भी देश के दौरे पर जाता है तो वह सबसे पहले अपने देश के फायदे सोचता है। पाकिस्तान कटोरा छाप भिखारी मुल्क है, वहां जाने से अमरीकी राष्ट्रपति का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं गए। भारत दुनिया का एक बड़ा बाजार है, ऐसे में ट्रंप की यह यात्रा दोनों देशों के हितों के लिए कहीं ज्यादा जरूरी थी। ट्रंप की इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।